बिग बॉस के घर में हुआ है एक शॉकिंग एविक्शन। जी हाँ, एक शख्स जो है आज घर से बेघर हो गया है। कौन है ये शख्स, हम आपको टीवी धमाका पर बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस हफ्ते किसका एविक्शन होगा, कौन होने वाला है बेघर, इसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि निक्की तंबोली सीधे फिनाले में पहुंच चुकी है, क्योंकि रूबीना जो टिकट टू फिनाले टास्क जीती थी, उसके बाद उसने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके निक्की को फिनाले में पहुंचा दिया है। वोटिंग ट्रेंड्स की बात करें तो सबसे कम वोट निक्की और देवोलीना को ही मिले हैं। लेकिन निक्की फिनाले में पहुंच चुकी है तो देवोलीना घर से बेघर हो गई है। देवोलीना के घर से बेघर होने से पहले सभी घर वालों को एक सरप्राइज दिया गया है। दरअसल एजाज खान वीकेंड का वार में शामिल हुए हैं पवित्रा पुनिया के साथ, और उन्होंने सभी को फाइनल बाय बोला है। और स्टेज से उन्होंने रूबीना और राहुल दोनों के लिए कहा है कि आप दोनों में से कोई एक फिनाले जीत सकता है। अब एजाज खान ने साफ कर दिया है कि वह शो में वापस नहीं आने वाले, और इसी के साथ एजाज की प्रॉक्सी बनकर आई देवोलीना घर से बेघर हो गई है। देवोलीना के बाहर आते ही हमें बिग बॉस के 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जिसमें रूबीना, राहुल वैद्य, अली गोनी, निक्की तंबोली और राखी सावंत शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि इस हफ्ते कितनी बार बिग बॉस में सीन पलटता है, और क्या कोई और भी बिग बॉस के आखिरी दिन यानी कि फिनाले से पहले बेघर होता है। इसको लेकर अगर कोई भी खबर आती है तो हम आपको टीवी धमाका पर जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिग बॉस की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए बने रहिए टीवी धमाका के साथ।